सियासी मैदान से बड़ी खबर से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बड़ा ऐलान कर दिया गया। हुक्मरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पहले होमवर्क करेंगे फिर अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत की हलीफ जमातों के बगैर कैसे अदम एतमाद ला सकते हैं। इत्तेहादी जमातें आवाम पर रहम करें और हुकूमत से अलग हो जाएं। ये भी बता दिया कि सिंध के सिवा जहाँ मुमकिन हुआ अदम एतमाद ला सकते हैं। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के फैसले पर अब भी कायम है। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, जहां भी ला सकेंगे, वफाक से लेकर सूबों तक। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राबते करेंगे। अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें। हम एक वफ भी तश्कील दे रहे हैं जो हलीफ जमातों से राबता करेंगी। वोट भी तो मुकम्मल करना है। पहले हम कुछ जो पेश की इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। इंडिविजुअल से हम राबता नहीं करेंगे, PTI के अरकान से हम राबता नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम कितना है? 2 महीने 3 महीने 6 महीने? थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए। बगैर तैयारी के बगैर ग्राउंड बनाए हुए ऐसी बात कहना फिर यही होगा कि जी आपने कल बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। 23 मार्च का फैसला बरकरार। तहलका खेज खबर शामिल करते हैं। पीडीएम इजलास में क्या हुआ अंदरूनी कहानी? सिर्फ समा पर एतमाद में लिए बगैर जरदारी और बिलावल से मुलाकात क्यों की? मौलाना फजलुर रहमान लीगी क़यादत से नाराज, आइंदा ऐसा करने पर पीडीएम छोड़ने की धमकी दे डाली। एतमाद में लिए बगैर आसिफ जरदारी और बिलावल से क्यों मिले? मौलाना फजलुर रहमान नून लीग की क़यादत से शदीद नाराज हैं। पीडीएम इजलास में क्या कुछ होता रहा समांदर की कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात पर न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि दोबारा ऐसी गलती पर पीडीएम छोड़ने की धमकी भी दे डाली। यहां तक कि JUI सैबरा ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान को मुसलसल मनाते रहे। बिलाखिर शहबाज शरीफ की माजरत और नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर बर्फ पिघल गई और मौलाना फजलुर रहमान मान गए। बिलावल ने जो अदम एतमाद की बात 1.5 साल पहले कही आप आज कह रहे हैं, पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने तीखा सवाल कर दिया। उस पर मौलाना का जवाब आपको सुनवाते हैं। पीडीएम सरबरा के आप बिलावल भुट्टो जरदारी से माजरत करेंगे कि यही बात उन्होंने 1.5 साल पहले की थी जो आज आप ऐलान कर रहे हैं? हटा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मुझे इसका जवाब खूब आता है, ऐसा आता है आप भी अश करेंगे लेकिन नहीं दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा। इसलिए कि अपोजिशन पार्टी की एक जमात हिट होगी, हदफ एक ही रखें। कभी मैं किसी अपोजिशन पार्टी के साथ हजार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूंगा। बड़ा दिल भी करना पड़ता है, जो मुश्तरकात होते हैं उनके लिए हालात होते हैं। उस वक्त मुश्तरकात नहीं थे, उस वक्त एक इत्तेफाक राय मौजूद नहीं था। अब वो हालात बदल गए हैं, उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ है। मजीद क्या बात हुई है बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास आगाह कीजिएगा इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से। देखिए पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शरीयत दरियाफ्त की है, जल्द सहदयाबी के लिए दुआ भी की है। इस टेलीफोनिक रबते में दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन एक साथ है, ऐसा आसिफ अली जरदारी ने इस टेलीफोनिक रबते में मौलाना फजल रहमान से कहा है। और जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत के इत्यादियों से भी जल्द रबते करेंगे और आइंदा दिनों में इस चीज़ को फाइनलाइज किया जाएगा कि अदम जो एतमाद है उसकी तहरीक को कब लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। खबरों में आगे देखिए नंबर गेम का खेल। और अपोजिशन को कभी इतना एतमाद था कि हुकूमत के जाने की तारीखें दिया करती थी, लेकिन अब यह हाल है कि अदम एतमाद की तारीख देने पर भी आमादा नहीं। समा ने मरियम नवाज से तारीख देने का सवाल किया तो बोली बड़े बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक बता दिया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। 8 तारीख को 13 दिसंबर 13 तारीख को जलसे आम में करेंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाल में पूरी कौम मार्च करेगी। एक वो वक्त था कि पीडीएम रहनुमा हुकूमत के जाने की तारीखें दिया करते थे।
हुकूमत तो ना गिरी मगर ओपोजिशन की खुद एतमादी का ग्राफ इतना गिर गया कि अब तहरीक अदम एतमाद की तारीख देने को भी तैयार नहीं। अदम एतमाद कब लाएंगे, अदम एतमाद की तारीख कौन सी होगी? पहले हम कुछ जो पेशगी उस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें, जाहिर है जी के वोट भी तो मुकम्मल करना है। समा के सवाल पर मरियम नवाज कन्नी कतरा गई, जिम्मेदारी बड़ों पर डाल दी। पीडीएम बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, अब कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी? जवाब अभी दिया है ना आपको, आज दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ, दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ। मगर बड़े तो अब भी सिर्फ कोशिश की बातें कर रहे हैं। अदम एतमाद है ये लॉन्ग मार्च है, कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए ये तो अल्लाह ताला को इल्म, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे। शायद बार बार की नाकामी ने ओपोजिशन को इतना मोहतात कर दिया कि वो अपने पत्ते शो करने पर तैयार ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद फर्ज कर लिया जाए अगर कामयाब हो जाती है तो आने वाली हुकूमत डेढ़ साल के लिए होगी या इमीडिएटली असेंबली तहलील करके आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे हम। जी सही सर। पीडीएम सरबरा ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि तहरीक अदम एतमाद पर अभी नंबर गेम पूरा करना है, मगर लीगी रहनुमाओं का दावा है कि हुकूमती और इत्तेहादी अरकान उनके साथ रابطے में हैं। हुकूमती तर्जुमानों ने अपोजिशन को अपने घर पर ध्यान देने का मशवरा दे डाला। पहले हम कुछ जो पेशगी उस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें, दूसरे जो उनके हलीफ जमाते हैं क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। पीडीएम सरबरा ने तो साफ बता दिया कि अभी होमवर्क करना है, नंबर गेम पूरा करना है, मगर नून लीग की तर्जुमान तो बड़े बड़े दावे कर रही थीं। जो गवर्नमेंट के अपने एलायज इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो हमारे साथ रबतों में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशखबरी सुनेगी और इसलिए घर जाएगा इंशाल्लाह। राणा सना का भी यही दावा था। जेड़ा नंबर गेम दा रोल है वो नहीं मुश्किल होगा। मैंने कोई नंबर गेम दा क्लियर है, नंबर गेम पूरी हो गया, पूरी होएगी कि बदेगी? बदेयां दे क्लियर हो दी गल, अब किनू लेना ते किनू नहीं लेना। नून लीग के दावों पर शहबाज गिल ने आड़े हाथों लिया था। कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राबता है, आप मैदान में आइए, फरवरी भी आ रहा है और मार्च भी आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है, आप अपने घर को खुद ही जरा ध्यान कर लें, 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरोख हबीब ने भी समा से गुफ्तगू में दावा किया कि ओपोजिशन खुद टूट फूट का शिकार है। यह मिन्नतों समाजतों के ऊपर आ गए हैं, ये जाकर जो है वो इतादियों की तल्ला मिन्नता करेंगे, जाकर उनकी मिन्नत समाजित करेंगे कि आप जो है वो हमारा साथ दे दें, हुकूमत का साथ छोड़ दें। वो अपने 25-30 लोगों की फिक्र करें जो कौमी असेंबली में सेनेट में जब को वोटिंग की बारी आती है वो गायब हो जाते हैं, वो तो हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। तो अपोजिशन कुछ कह रही है और हुकूमती अरकान कुछ और कह रहे हैं और इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रابطہ किया है रुकन कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा ये पीडीएम सरबरा ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि तहरीक अदम एतमाद पर अभी नंबर गेम पूरा करना है, जबकि नून लीग को इतना यकीन कैसे है कि नंबर पूरे हो गए हैं, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं देखें, जहाँ तक नंबर पूरे होने का तल्लक है तो मैं बार बार पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि एक है अदम एतमाद कौम का, वो कौम कर चुकी मौजूदा हुकूमत पे। अब अगर अपोजिशन आवाम की आवाज़ नहीं बनती और अरकान असेंबली जो हैं वो अदम एतमाद के लिए बाहर नहीं आते अपने कैंपों से, तो यकीनन कल को वो किस मुंह से जाएंगे अवाम के पास, नंबर एक। अब जहां तक नंबर पूरे करने का तल्लक है तो अपोजिशन में होती वो जमातें हैं जिनके पास नंबर पूरे नहीं होते, और जब तक इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमते वक्त से कोई भी हुकूमत हो उससे अलग नहीं होते तो नंबर पूरे नहीं आप कर सकते। तो आपने देखा कि जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से आवाज़ें क्या क्या सुनाई देना शुरू कर दी है पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से। अब जब तक कोई इशारा, कोई दबाव, कोई फोन कॉल उनको नहीं जाएगी तो वो यकीनन हुकूमत वक्त के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
अगर उनको रोका ना गया तो। सर लेकिन इस तरह तो हुकूमत को फिर बातें करने का मौका मिल रहा है ना। अभी शहबाज गिल भी कह रहे थे कि फरवरी भी यही है, मार्च भी यही है, आ जाए जो करना है जिसने करना है हम देख लेंगे। नहीं, आप वो भी ठीक कह रहे हैं, वो इसलिए कि चार सालों से जो लाने वाले हैं वही हुकूमत चला रहे थे। और अगर DGISPR की स्टेटमेंट जो है उसको तो हम सामने रख के तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं और खास तौर पर मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ अगर अदम एतमाद के लिए कायल हुए हैं तो उसकी बुनियाद तो यही है कि जब वो अदारे न्यूट्रल हो जाएंगे, जब अदारों की तरफ से किसी को फोन कॉल नहीं जाएगी हमायत में या मुखालफत में, तो फिर आप देख लें बाप पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इशारे आना बंद हो गए हैं। तो अगर इशारे आने बंद हो गए तो फिर अदम एतमाद कामयाबी से हमकनार होगी, वो अदम एतमाद नाकाम करने के लिए तो फिर कोई कुवत नहीं रह जाएगी। लेकिन हुकूमती तर्जुमान फिर भी ये बात कर रहे हैं कि ले आए तहरीक अदम एतमाद सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को, अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना को एतमाद में लिए बगैर शहबाज शरीफ की जरदारी और बिलावल से मुलाकात, काफी नाराज वो दिखाई दिए लीग की क्यादत से, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मेरी बात सुन लें, कुछ बातें होती हैं मीडिया पे आके कहने वाली और उससे पहले होमवर्क होता है किसी भी जमात का, वो हुकूमत में हो अपोजिशन में हो। तो वो कल का जो फोटो सेशन था या कल की जो मीटिंग थी उससे पहले वो तमाम रबते भी मुकम्मल हो चुके हुए हैं और सब इतिहादियों को इतमाद में लिया जा चुका है जो अपोजिशन में है। तो आप ये बताना पसंद करेंगे जिस तरह आप लोग की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमती और इत्तेहादी अरकान जो है आप लोग के साथ है, और आप ये कह भी रहे हैं कि इस हवाले से जो है आप लोग की बातचीत मुकम्मल हो गई है, तकरीबन कितने ये लोग हैं, कितने ये अरकान हैं? और सर मौलाना को एतमाद में लिया जाएगा क्या? मैं पहली बात तो आपको ये कह दूँ कि लोगों के जहन में ये था कि शायद पंजाब से अक्सरियत PTI की जो है वो नाला है, अरकान असम्बली 25-30 जो हैं वो पंजाब से उनका तल्लक हो। मैं आपको ये सरप्राइज जरूर दे रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली ज्यादा हैं। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की जरदारी और बिलावल से, क्या मौलाना को एतमाद में लिया गया था इस हवाले से? जी बिल्कुल। ठीक है सर, आपका मौकिफ हम तक आ गया है, हमारे साथ मौजूद थे मियाँ जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। हुकूमत ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे डाला, फवाद चौधरी कहते हैं किसी माई के लाल में जरूरत नहीं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, हिम्मत करके कल ही अदम एतमाद लेकर आ जाएं, आपके अपने मेंबरान असेंबली आपको सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली और खुद आपको आपके मेंबरान असेंबली सरप्राइज देंगे और आपको पता चलेगा कि सब्जी दाल का भाव क्या है, सब्जी दाल का भाव क्या है। आपका ख्याल है कि जो आपके ऊपर 18 तारीख को फर्द जुर्म लगनी है शहबाज शरीफ साहब, वो आगे चली जाएगी? ऐसे नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। आप लोग सियासत में वो चूहे हैं जिनका ख्याल है कि छत पे आवाज ज्यादा आएगी तो ज्यादा दौड़ेंगे तो हम बच जाएंगे। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला, वफाकी वजीर असद उमर का PDM इजलास पर शायराना तबसरा, कहा इन उतरे चेहरों और उदास आंखों को देख देख कर तरस आने लगा है, जिन पर आवाम ने अदम एतमाद किया वो मुंतखब वजीर आजम पर अदम एतमाद के ख्वाब देखते हैं। क्या आवाम नहीं जानते कि फर्द जुर्म के खौफ से इनके दिल और कदम दोनों बेकाबू है, इजलासों के मकाम बदलने से दामन पर लगे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के दाग नहीं मिटते। हमदर्दाना मशवरा यही है कि सब्र करे, दिल अदम एतमाद ही पर मचले तो सेनेट में होने वाली हालिया कानून साजी के मनाजिर याद करें, उम्मीद है अफवाह का होगा वरना इलाज की कई दूसरी तरकीबें भी मौजूद हैं।
और 11वां नंबर क्यों दिया, जरा समझना चाहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अरबाब को ख़त लिख दिया है वज़ारतों की कारकर्दगी के नताइज पर नाराज़ हुए, समा से बात करते हुए अपने तहफ़ुज़ात भी शेयर कर दिए। जो फॉरेन मिनिस्टर है चारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। टॉप 10 वज़ीरा में शाह महमूद जगह न पा सके और ओपोजिशन ने मौका जाया न किया, बिलावल बोले और बढ़ चढ़कर बोले। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है, खर्चा पॉलिसी तो वाह वाह है। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद जो पहले कह रहे थे कि वो मुतमईन है और मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे, और हम मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत ख़ारजा एक मुस्बत वोट लेकर आएंगे। वो भी अब चुप न रहे, समा से बातों बातों में हाल दिल कह दिया। जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, क्योंकि इसके बारे में हमें इल्म पहले ना था कि जजमेंट का ना मुझे हक है और ना मुनासिब है मेरा करना। तो जो तरीका कार बनाया गया है उसकी वजाहत मैंने तलब की है। शाह महमूद ने बताया कि अपने सवाल शहजाद अरबाब को खत में लिख दिए हैं कि जब कारकर्दगी माहिदे की पहली सैमाही में वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, ये यकीनी बनाया कि नज़र सारी मुद्दत के लिए कोई मामला मुअत्तल ना रहे, फिर क्यों ना उसे सराहा गया। दूसरी जानिब मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी का कोई खत नहीं मिला। और पहले से महंगाई से परेशान आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है, सुई सदरन गैस कंपनी ने भारी बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। क्वेटा में सुई सदरन गैस कंपनी की मनमानियां जारी, हाई कोर्ट ने स्लो मीटर चार्जेस खत्म किए तो कंपनी ने दूसरे हरबों से भारी बिल भेजने शुरू कर दिए। गैस कंपनी ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक दूसरा वतीरा इस्तेमाल किया अदर चार्जेस के नाम से, तो आवाम के साथ ये नाइंसाफी है। शहरी कहते हैं कि दूसरे अखराजात पूरे नहीं होते, भारी बिल कैसे अदा करें। इसकी समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह है कि मीटर इतने तेज़ क्यों भागते हैं कि वो अचानक से वो गैस के बिल बन जाते हैं, गैस आती नहीं है, लेकिन समझ से बाहर है कि ये क्यों है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। दूसरी जानिब कंपनी हुकाम अवामी मसले पर अपना मौकिफ देने से इनकारी हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। बुलेटिन में आगे देखिए, इतनी खुशी, मलबूसात पर दिलकश एम्ब्रॉयडरी करने वाले धागे की कीमत में 50% तक इजाफा हो गया। फैसलाबाद में धागे की कौन सी कीमत 145 रुपए तक जा पहुंची है, मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद जी, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री के अंदर। एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो कपड़े को खूबसूरत बनाने में ये एक कौन जो है ये अपना अहम किरदार अदा करती है। पहले इसकी कीमत क्या थी, इस वक्त इसकी कीमत क्या चल रही है, हमारे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा इसके महंगे होने की वजह क्या बताई जा रही है। ये हमारा जो रॉ मटेरियल है ये 100% चाइना से आता है, इम्पोर्ट का होता है, इसका तलक डायरेक्ट जो है वो डॉलर के साथ होता है। लेकिन आप इस एक साल में ये वाली छोटी सी जो एक कोन है 3000 यार्ड की एक कोन होती है, इसका रेट जो 45 रुपए तक बढ़ गया है। धागा कंपनियां जो है वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई हैं और अपनी मनमानी करते हुए वो मुसलसल धागे का रेट बढ़ा रही हैं। किसी ऐसे मुल्क में बता दें कि यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर को इतनी महंगी बिजली मिल रही हो और वो सर्वाइव कर रहा हो। गवर्नमेंट और धागा कंपनियां दोनों की दौड़ लगी हुई है, देखें पहले कौन इस सेक्टर को बंद करवाता है। जी बिल्कुल, जो इनका प्रोसेस रेट है वो तो उतना ही है मगर ये कोन की कीमत बढ़ती जा रही है, इसके बायस अखराजात भी बढ़ रहे हैं और फैक्ट्री मालिकान जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। जी तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के भाई रियाज आफरीदी का कहना है कि शाहीन ने जिस टीम से बतौर इमर्जिंग प्लेयर आगाज किया आज उसी टीम का कप्तान है, जब कप्तान का अंदाज जारहाना हो तो टीम फॉलो करती है, अल्लाह करे शाहीन इस इम्तिहान में कामयाब हो। क्रिकेट अब काफ़ी चेंज हो गया, आपके सामने हम भी खेलते थे उस टाइम भी क्रिकेट थी, लेकिन काफ़ी क्रिकेट फास्ट होगी और देखिए जब एग्रेशन एक कैप्टन में होगा तो पूरी टीम उसको फॉलो कर दे,
जब कैप्टन ही ऐसा हो कि वो जीत के लिए हर टाइम पे जाए और फ्रंट पे हर टाइम, तो मेरा ख्याल से टीम भी उसको सपोर्ट करती है। बहुत अच्छा है उसने, कितनी कम उम्र में उसने कप्तानी ली और अल्लाह करे वो अच्छा प्रूव करे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन माहदे की मुनफरद अंदाज में शुरुआत हो गई है। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी मलिक अमीन असलम की सऊदी परचम थामे बहिरे अहमर के गहरे पानियों में गोताखोरी। सऊदी शहरी ने पाकिस्तानी परचम थामे रखा, इस एडवेंचर का मकसद क्या था, जानते हैं समा के नुमाइंदे खसूसी टिका खान सानी से। जी बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ग्रीन माहदा है उसकी अनोखी अंदाज में शुरुआत हुई है। जद्दा में वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी मलिक अमीन असलम ने जब ये एग्रीमेंट किया है उसके बाद वो सऊदी अरब के समंदर में उतरे और खास तौर पे मामले खसूसी ने सऊदी शहरी के साथ, दोनों ने एक ने पाकिस्तानी परचम और एक ने सऊदी अरब का परचम थामा और समंदर के अंदर लहराया। मलिक अमीन असलम ने परचम थामे बहरे अहमर जो है जद्दा का जो समंदर है उसके अंदर जो गहरे पानी में गोताखोरी की और कम अज कम आधा घंटा तक मुसलसल गोताखोरी करते रहे और उनके हाथ में सऊदी अरब का परचम था, जबकि इसी रेड सी में सऊदी शहरी के हाथ में जो कि गोताखोर का माहिर है पाकिस्तान का सबजलाली परचम और दोनों मुल्कों के परचम थामे दो गोताखोर जो है वो समंदर के अंदर दोनों मुल्कों के परचम लहराते रहे। इस हवाले से मलिक अमीन असलम ने सऊदी अरब के हुकाम जो है उनकी दावत पर ये दौरा किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी आपका। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला सामने आया है। सिटीजन पोर्टल पर हल शुदा 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया है। अब्बास शब्बीर से बात करेंगे, अब्बास क्या तफसीलात हैं? देखिए, गुज़िश्ता साल की हल शुदा 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म दिया गया है। शहरियों की शिकायत पर यह वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है और ये हिदायत की गई है कि शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाए। सूबाई सतह पर नजरसानी की निगरानी मुतलका चीफ सेक्रेटरी और आईजी करेंगे, जबकि वफाकी सतह पर मुतलका वजारत के सेक्रेटरी की शिकायत जो है वो नजरसानी के जिम्मेदार होंगे। साथ साथ वजीर आजम ने वफाकी इदारों की कुल 1,07,000 शिकायत को भी खोलने का हुक्म दिया है, जिसमें सूबाई सतह पर 80,000 शिकायत हुकूमत पंजाब के मातहत इदारों की है, जबकि केपीके के मातहत इदारों की 27,000 शिकायत है, सिंध की 15,000 और बलूचिस्तान की 3,000 शिकायत जो है जिस पर नजरसानी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बावलपुर के सहरा में चौलिस्तान जीप रैली का तीसरा रोज, स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 88 रेसर्स किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं एहसन अंसारी। जी बिल्कुल, इस वक्त चोलिस्तान जीप रैली की जो स्टॉक कैटेगरी मरहला है वो जोरों शोर से जारी है। 88 रेसर स्टॉक कैटेगरी के जो रेस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 खवातीन रेसर्स हैं। कल फाइनल राउंड है, कल आखिरी मुकाबला है, 17वीं चोलिस्तान जीप रैली का ये एडिशन है। शहरियों की शायकीन की बड़ी तादाद इस रैली को, पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट को देखने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। शदीद बर्फबारी के 22 नारान में सियाहती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद है, मगर सयाहों के लिए खुशी की खबर यह है कि नारान आने वाली मरकजी शाहरा को स्टेट ऑफ द आर्ट रोड में तब्दील किया जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ में सुरंग भी खोदी जाएगी। फिलहाल यहाँ कितनी बर्फ पड़ी और सियाहती सरगर्मियाँ कब तक बहाल होने की उम्मीद है, जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद है नारान व्यू पॉइंट पे, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत नज़ारे हमारे अकब में देख रहे होंगे। पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी हुई है और तकरीबन 3-3 फुट तक बर्फ जो है यहाँ नारान में पड़ी हुई है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो -4 चल रहा है। सर्दियों में मौसम सरमा में लोग जो है वो नीचे चले जाते हैं, व्यू पॉइंट जो है वो बंद हो जाता है, और अब ये बताया जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर टूरिज़्म जो शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चूँकि बन रहा है और उसकी वजह से जो नारान आने वाली मरकजी शाहरा है उसको भी असर नो तामीर किया जा रहा है और एक साइड से हटा के उसको पहाड़ के ऊपर से जिसके अंदर टनल भी मौजूद है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर रोड जो है वो भी तामीर की जाएगी। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान में रियल स्टेट के कारोबार को जदीद तकाजों से हमहांग किया जा रहा है। पार्क व्यू सिटी के रिहायशियों को दुबई और लंदन से भी डॉक्यूमेंटेशन की सहूलत मैसर होगी। पार्क व्यू सिटी में मेगा डील की तकरीब से खिताब में मेहमान खसूसी चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पार्क व्यू सिटी लाहौर में 30,000 कैनाल की तौसी मनसूबे पाइपलाइन में है। सोसाइटी में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और सिटीजन क्लब्स भी बनाए जा रहे हैं। बिजनेसमैन कम्युनिटी और डीलर्स का एतमाद
पार्क व्यू सिटी की मजबूत साख की अक्कास है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुएब सिद्दीकी का कहना था कि रियल एस्टेट की तारीख में पहली मरतबा पार्क व्यू सिटी इनकलाबी इकदाम करने जा रहा है। पार्क व्यू सिटी में जल्द नई मसाजिद की तामीर और तफरीही सहूलतों में इजाफा कर रहे हैं। चेयरमैन अब्दुल अलीम खान ने मेगा डील इवेंट में नुमाया कारकर्दगी पर असनाद और शील्ड्स तकसीम की। फेयर डील के चौधरी अब्दुल रऊफ और दीगर डीलर्स ने अब्दुल अलीम खान और शुएब सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।